अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज सऊदी अरब पर हमले को तैयार एक बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो नाकाम बना दिया गया। जी हाँ, सऊदी अरब पर गुज़श्त चंद माह से जो है वो यमन में मौजूद हौसी मलेशिया की जानिब से ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया गया, और हमने देखा कि अब आने वाले पिछले कुछ दिनों में जो इसकी ऑयल तनसीबात हैं उनको भी वक्ता फ़वक्ता निशाना बनाया जाता रहा है। सऊदी अरब अब गुज़श्त रोज़ एक बार फिर जो है वो इस बड़े नुकसान से बाल बाल बच गया, और सऊदी फ़ज़ाइया ने शानदार कार्रवाई करते हुए अपने मुल्क को एक बड़े हमले से महफूज बना लिया जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने बताया कि यमन के इलाके मारब में होसियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तैयारी की जा रही थी, ताहम सऊदी फ़ज़ाइया ने इस मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर दिया। इसके अलावा होसी मलेशिया की जानिब से सऊदी शहर खमेस में भी दो बारूद से लदे ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई जिसे इत्तेहादी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब और हौसी बागियों के दरमियान पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो ये जंग जारी है, जो अभी पिछले दिनों ही सऊदी हुकूमत ने इस बात का इंडिया भी दिया था कि वो जंगबंदी चाहता है, और वो जो है वो पॉलिटिकल मुजाकरात के जरिए इस जंग का जो है वो हल जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सऊदी अरब की सलामती पर हमले इसी तरीके से जारी हैं, जिनको सऊदी इत्तेहादी अफवाज और ख़ुद सऊदी फ़ज़ाइया जो है वो नाकाम बना रही है। कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हो रहा। मज़ीद अपडेट भी मैं आपको दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप देख सकें।